दोस्तों रेल के इंजन में लगा हुआ इस तरीके का स्टेयरिंग तो आपने जरूर देखा होगा, जिससे लोको पायलट गाड़ी चलाते हैं ना उस पर देखा होगा उनके सामने में एक तरीके का स्टेयरिंग लगा रहता है। तो आखिर इसका क्या काम होता है दोस्तों? क्या होता है, इससे गाड़ी की स्पीड को कम और ज्यादा किया जाता है, ना कि ट्रेन के ट्रैक को चेंज किया जाता है, यानी पटरी नहीं बदल सकते हम इससे। इससे क्या होता है, स्पीड को कम और ज्यादा किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, क्या करते हैं कि दर तरफ जब टर्न करते हैं तो क्या होता है कि इसमें करंट बढ़ता है, मोटर में करंट बढ़ता है और स्पीड बढ़ती है। जब इसको वापस करते हैं तो स्पीड घटती है, यानी कि ये बोले आप सब कि जितने भी कन्वेंशनल रेलगाड़ी के इंजन होते हैं उनमें सभी में 32 गियर पड़ते हैं, यानी कि वो जो 32 गियर पड़ते हैं एक एक करके 32 गियर यहाँ पे दिखाए जाते हैं। इस तरीके का डिजिटल गेज लगा रहता है, इसमें डिजिटली शो करता है। और इससे क्या होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की स्पीड को कम और ज्यादा किया जा सकता है, ना कि गाड़ी की एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे बदला जा सकता है।